Assalamualaikum and welcome back to my channel। ये जो नज़ारा आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है, ये 150 से ज़्यादा ट्रक जब एक साथ खड़ी होती है अपना काम ख़त्म करने के बाद लाइन से गाड़ी को लगा के छोड़ के जाती है, ये उसका नज़ारा है। इनमें से एक दिन हमारी भी है। चलो काम पे लगे, दूसरे दिन कंटिन्यू करें, सही है। अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लो जल्द। आज की वीडियो है पिछली वीडियो की कंटिन्यूटी पार्ट टू। लास्ट हमने रेत चढ़ाई थी, आज हमने रेत उतारते हुए दिखाना है। साइट पे देखें आप, इस तरीके से मेहनत होती है, इस तरीके से मेरे भाई लोग यहाँ पे जिस तरीके से अपने ट्रक को खाली कर रहे हैं, इसे कहते हैं भरपाई करना। नहीं भरपाई नहीं, सॉरी, भराई करना। मतलब कुछ यहाँ से रमन उठा के वहाँ पे फ्लैट करके यहाँ पे जमा करे तो पूरा जहाँ नीचे वो ऊपर हो जाएगा, जहाँ पे ऊपर वो नीचे हो जाएगा, इस तरीके से पूरी जगह फ्लैट हो जाएगी। और ये है मैं मेरी धुनों के साथ, इस धुनों के अंदर मैं बैठी हूँ बसंती मेरी बड़ी ही सी धुनों के साथ इंशाल्लाह। और मैं जा रही हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैंने मेरे भरे हुए ट्रक को खाली करना, ताकि जहाँ से हमने उठाया है वहाँ से यहाँ ला के उतारेंगे। जिस तरीके से सब करें हम भी वही करेंगे और वही करते रहेंगे जितने जितने बार एक दिन में कर सकें। तो रिवर्स लेने का वक्त आ गया, लेकिन मेरी दौड़ का इंतज़ार हो रहा है। मेरे पहले दूसरे को जिसको इशारा कर रहे हो भाई साहब वो उतारेंगे, उसके बाद मैं उतारूंगी रिवर्स लेकर। इसके लिए मैं वहाँ पे रुकी हुई था ताकि मैं मेरे टर्न का इंतज़ार कर सकूं। इस तरीके से काम चलते हैं यहाँ पर, देखें एक से एक लगातार एक के पीछे एक लगातार लगे हुए हैं, काम जल्दी जल्दी करने के फिराक में हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकें। सीधी सी बात है, मेहनत का काम है, मेहनत करेंगे तो कमाएँगे। अब आती है मेरी बारी। मैं वैसे वॉइस रिकॉर्डिंग ऊपर से कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो के वक्त मैं तो ट्रक चला रही थी, एडिटिंग के वक्त मैं आवाज़ डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर,
क्या देख रहे हैं आप? चलिए मैं रिवर्स लेके, क्योंकि मेरी जगह मिल गई मुझे उतारने के लिए रेत जो भरी हुई है। और आपको कुछ सवाल पूछना आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जवाब दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरा पीछे से डब्बा उठ रहा है। देखिए इस तरीके से हमने इसको उठाना होता है क्लच और एक बटन के सहारे से। जब ये उठ जाता है तो रमन पीछे से जो डब्बे में भरी होती है, जो एक्चुअली बास्केट कहते हैं क्या, बकेट कहते हैं, जिससे उससे उतर जाती है। उसके बाद हम इसे अनलोड करके आगे जा सकते हैं। वैसे एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, अनलोडिंग करने का भी एक तरीका होता है, नहीं कि बस ऊपर कर दिया और काम हो गया। अगर हम इसी तरीके से एक ही जगह रुक कर रमल को, रेत को उतारेंगे तो क्या हो सकता है, हमारा गाड़ी पीछे से फंस जाएगा। एक वीडियो है मेरे पास एंडिंग में, ये वीडियो के उसको मैं अटैच करूँगी, आप देखिएगा जरूर कैसी दुर्घटना घटी थी पिछली बार। इसीलिए ताकि वो दुर्घटना मेरे साथ ना हो, इसलिए मैंने क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो ट्रिक होती है इसे उतारने की वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ताकि आपको समझ पड़े कि ये काम किस तरीके से सही तरीके से किया जा सकता है। देखिए एक हद तक उतर चुकी है ना। नजर आ रही है।
साइड तो दिखा दूँ। माशाल्लाह यहाँ पे भर भर के लोग हैं, माशाल्लाह भर भर के ट्रकें हैं। जब हम सब ऑफ ड्यूटी हो जाएंगे, जब ट्रक ही खड़े करेंगे ना, उसका खुद का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखेगा, देखने के लिए कि आखिर का नज़ारा कितना खूबसूरत होता है। तो मैं ये ट्रक चला रही थी क्योंकि अब इन ये वाले ट्रक के जो ओनर हैं उनकी जो काम ख़त्म हो चुका है, उन्हें ट्रक वापस चाहिए। तो मैं इससे उतर के अभी दूसरी ट्रक चलाने वाली हूँ जो माशाल्लाह अभी तक ये चला रहे थे। इनका ट्रक मुझे अभी हैंड ओवर कर दिया जाएगा जो कि ये है। अब आगे इसके बाद यही साइड पे वही काम, लेकिन ट्रक बदल गई, बस इतना है। चले पावर नहीं कि इतना बड़ा गाड़ी चलाते हैं, फिर लोड लिखी जाता है, वापस लिखे आते हैं ना। माशाल्लाह सही चलाया था, मैंने देखा पूरा रास्ता में ये ट्रिप तुम लगाए, उधर से इधर तक रिवर्स लगाया, इधर रिवर्स में गाड़ी खड़ा किया एक्सीलेटर के लिए। ये एक्सीलेटर के लिए गाड़ी खड़ा करने के लिए बहुत मुश्किल है, ये शेवल के लिए आसान है। लेकिन तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा लोग 30-35 ही बना देते हैं एक दिन में। मेरे भी 30 के आसपास हो जाए। बहुत अच्छा है तुम्हारा, देर मारा बहुत सही ब्रेन। थैंक यू। चले छोटी गाड़ी के लिए बड़ी गाड़ियाँ बिठा के। इसे ख़त्म होता है हमारा आज का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह। ये ट्रक को ये भाई कितने वक्त से चला रहे हैं आप? हम तकरीबन 20 साल से। माशाल्लाह 20 साल से गाड़ी चलाते हैं। मुझे तो 20 नहीं, 20 साल से गाड़ी चलाते हैं और माशाल्लाह
डे का माशाल्लाह तगड़ा है, तगड़ा है, में तगड़ा बोल रहे हैं। देर अल्लाह वेलकम। तो ऐसे ख़त्म होता है हमारा आज का सफ़र। जैसे ही सनसेट होने आ गया, हमारा पैकअप हो गया काम का, ऑफ ड्यूटी। और यहाँ से अब हम इंशाल्लाह निकल के सीधा जाएंगे रासन नेमत की तरफ। लंबा सफ़र है, यहाँ से भी दुबई जबल अली में हूँ मैं इस वक्त। तो सोचो बड़ी से उतर के छोटी पे आ जाते हैं अभी और निकलते हैं घर के लिए इंशाल्लाह। चलो चले बातें हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फील्ड में मेहनत करते करते भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना कोई आसान काम तो नहीं है, तो इतना तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर ही सकती हूँ कि कम से कम लाइक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। जब बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं नाराज़ हो जाऊँगी। देखो फिर सब्सक्राइब करो, इतनी मेहनत में करो, इतना सही काम टच नहीं कर सकते भला। मुझे भी आपको कहने का मौका दे दो, देर मनाना मीनिंग, थैंक यू। बिस्मिल्लाह। देखो ये था जब मैं कहती हूँ ना, जब ट्रिक होता है रेत को उतारने का, नहीं कि बस डब्बा ऊपर कर लिया, रेत उधरी की उधरी छोड़ दी, नहीं, आगे जाना होता है उतारते उतारते। अगर नहीं ध्यान से तरीके से किया तो ये हाल हो सकता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ का